different eye. Payback. तो दोस्तों आपका स्वागत है WWE 2K17 में। हम लोग कर रहे हैं पेबैक के प्रेडिक्शंस। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने किया था केविन ओवेंस वर्सेस क्रिस जेरिको। आज जिस मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है द हाउस ऑफ हॉरर्स मैच। इसमें है ब्रे वायट वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तो दोनों वायट ब्रदर्स के बीच में हो चुकी है लड़ाई। रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन बन गया था चैंपियन ओवर ब्रे वायट, लेकिन फिर उनका मैच होना था दोबारा से फॉर द चैंपियनशिप, लेकिन हुआ क्या बीच में कि ब्रे वायट चला गया रॉ पे, ये रह गया स्मैकडाउन पे। तो हाउस ऑफ हॉरर मैच सेटअप हुआ था विद द WWE चैंपियनशिप, लेकिन अब कंफ्यूजन है कि शायद वो WWE टाइटल के लिए मैच नहीं है। तो मुझे लगता है, मेरा मानना है इस मैच के लिए कि इसको जीतेगा ब्रे वायट, क्योंकि टाइटल मैच नहीं है एंड रॉ पे अब इसको अपना दबदबा फैलाना है। तो एक हाउस ऑफ हॉरर मैच जो पहली बार हो रहा है, किसी को नहीं पता क्या होता है हाउस ऑफ हॉरर मैच, काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं इस मैच में, तो उसका दबदबा फैलाने के लिए उसको ज़रूर जिताएंगे ये हाउस ऑफ हॉरर मैच। एंड अगर ये टाइटल मैच हुआ किसी तरह तो रैंडी ऑर्टन रिटेन कर लेगा, क्योंकि उसका बैकलैश में मैच है अगेंस्ट जिंदर महल जो नंबर 1 कंटेंडर बन चुका है दूसरी तरफ। तो दोस्तों मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आपको क्या लगता है क्या होगा इस मैच में, रैंडी ऑर्टन जीतेगा या फिर ब्रे वायट? हाउस ऑफ हॉरर्स मैच होता क्या है मुझे कॉमेंट से बताइए फटाफट। एंड अब चलते गेम की तरफ जहाँ पे हमने सेटिंग कर रखी है फास्ट मोमेंटम लेजेंड डिफिकल्टी एक्सट्रीम रूल्स मैच रखा है कि कुछ भी हो सकता है। लेट्स गो। वेलकम टू पेबैक। सबसे पहले रिंग की तरफ बढ़ रहा है ब्रे वायट द ईटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अब रॉ में पहुंच चुका है, वहां पे सबको मारने में लगा हुआ है, सबको डर फैला रहा है एंड किसी को नहीं पता ये हाउस ऑफ हॉरर्स मैच होता क्या है। तो इसके लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, ब्रे वायट कुछ भी सेटअप कर सकता है। मेरे ख्याल से काफ़ी गिमिक्स होंगे, लाइट चले जाएगी एंड फ्लैशेज होंगे कीड़ों मकोड़ों के, जैसे रेसलमेनिया में हुआ था। तो काफ़ी माइंड गेम्स चलेंगे, काफ़ी डराने की कोशिश होगी। देन वी हैव हिज अपोनेंट द एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अभी भी उसके पास, लेकिन शायद नॉन टाइटल मैच है ये। आई डोंट नो कैसा मैच सेटअप होगा, क्या केज के अंदर होगा, कोई स्पेशल केज बनाया गया है, या फिर बैक स्टेज होने वाला है, या कहीं अलग ही सेटिंग में ये मैच हो सकता है। वी डोंट नो क्या स्टिपुलेशंस होंगी, किस टाइप का होगा, लेकिन बहुत खतरनाक होने वाला है। ब्रे वायट रेडी, दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन रेडी एंड हियर वी गो। पेबैक मैच स्टार्ट होता हुआ ब्रे वायट भागा, रैंडी ऑर्टन दूसरी तरफ से लूथेस प्रेस चढ़ गया सीधा ब्रे वायट पे। फिर दोबारा ये वायट ब्रदर्स एक दूसरे से लड़ेंगे। हियर वी गो, गुड रिवर्सल बाय ब्रे वायट, टांग पकड़ ली उसकी एंड वहीं पे पटक डाला। रैंडी ऑर्टन पे अब दबाव डालते हुए लात पे लात, भागने की कोशिश लेकिन क्लोज लाइन इनटू द कॉर्नर, ये पड़ी लात, उठाया रैंडी ऑर्टन उसको धकेलता हुआ वापस, गोइंग फॉर द सुप्लेक्स, बहुत ही सही रिवर्सल, मिड एयर में रिवर्सल एंड रशियन लेग स्वीप। ब्रे वायट यहाँ पे गुस्से में आ चुका है, सेंट ऑन फ्रॉम द सेकेंड रोप, ये हुई ना बात एंड सीधा टॉन्ट के लिए चला गया। ये है इसका माइंड गेम, लोगों को डराओ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इसका। What a reversal! Backdrop बदल दिया इसने क्रॉस बॉडी में, ये पड़ी लात पीछे से उसको। Randy Orton in a huge trouble here. Bray Wyatt फटाफट यहाँ पे momentum gain करता हुआ। Here we go, exploder suplex, पटक दिया दूसरी तरफ। What a suplex! Signature move आ चुका है हमारे पास, ये लगाया signature move, senton, boom! What a big drop! एंड हमारे पास फिनिशिंग मूव आ चुका है, अभी से इस मैच को फिनिश करने के लिए रेडी हो चुका है ब्रे वायट। ही इज गोइंग फॉर इट, दिस सिस्टर एबिगेल, लुक एट दैट वॉक, सबको डरा देगा ये स्पाइडर वॉक। स्टॉकिंग रैंडी ऑर्टन, पकड़ लिया उसने एंड ये नी चुम्मी, सिस्टर एबिगेल कनेक्ट, बंदा वहीं पे बेहोश। क्या हम इस मैच को यहीं पे एंड कर सकते हैं? 1 2 नहीं, The Viper somehow gets up, kicks out of the pin, and he is still in the match. ये match continue होता हुआ, अभी तो बहुत खतरनाक बनना है। Randy Orton हमें follow करते हुए, Bray Wyatt goes to the outside, बाहर आते cross body दिया इसको। बहुत ही अच्छा move, बहुत ही smart move यहाँ पे। Ring के नीचे काफी खतरनाक हथियार, and सीधा Bray Wyatt के हाथ में लगाया the table itself। ले भाई,
दबोच ले इसको, दबोच ले। टेबल शॉट सीधा पिछवाड़े पे, बैंग एक और पड़ा। ये ले भाई डिस्ट्रक्शन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के ऊपर। कुछ नहीं करने दिया अभी तक हमने उसको। ये टेबल खोलना स्टार्ट किया, अनाउंस टेबल पे कोई मरने वाला आज तो। जितना डेंजरस बन सकता है, जितना खतरनाक बन सकता है रैंडी के लिए बनाने की कोशिश करेगा। फुल यहाँ पे आज डोमिनेशन करेगा ब्रे वायट, क्योंकि उसके टाइप का मैच है। वो जो चाहे कर सकता है, क्या पता डिस्ट्रैक्शन हो, इंटरप्शन हो, वायट फैमिली फिर दोबारा एक साथ आ जाए। स्ट्रोमैन रॉ पे है, वो आ सकता है इसके हेल्प में, वाई नॉट। ल्यूक हार्पर के साथ काफ़ी लड़ाई हो रही है, एरिक रोवन के साथ काफ़ी लड़ाई हो रही है। ले भाई फिर दोबारा इनटू द टेबल, एंड इस बार रिवर्सल किया रैंडी ने। ही इज ट्राइंग टू फाइट बैक विद अ बिग क्लोज लाइन। ब्रे वायट इन ट्रबल हेयर। सिग्नेचर मूव रेडी था हमारे पास, लेकिन कंट्रोल अब उसकी तरफ। व्हाट अ नी टू द फेस, रिवर्सल किया हमने, बूम, दो मुक्के उसके ऊपर, एंड रैंडी ऑर्टन थ्रोज अस अवे। एक और बड़ा रिवर्सल यहाँ पे, एंड बैंग, सीधा टेबल टॉप पे उसका सर बड़ा। रैंडी ऑर्टन फिर दोबारा अपना पेट पकड़ता हुआ, काफी पेन में यहाँ पे, एंड ये पेन जाने नहीं वाला जल्द। ब्रे वायट रेडी, लुकिंग फॉर इट, फिर दोबारा टेबल में फेंका। OMG मोमेंट रेडी, OMG मोमेंट लगा दिया उसने टेबल पे, अनाउंस टेबल पे, बिल्कुल अनाउंसर्स के सामने। ही इज गोइंग फॉर इट, यूर्नेश, बूम, व्हाट अ ड्रॉप थ्रू द टेबल, टेबल चकनाचूर। रैंडी ऑर्टन बेहोश यहाँ पे, अब उसको समझ आएगा सिस्टर एबिगेल की ताकत। क्या सिस्टर एबिगेल की मिस्टिकल पावर्स हमें ऐसे टेलीपोर्ट कर सकती है? स्लेज हैमर से मारने की कोशिश, लेकिन रैंडी ऑर्टन विद द रिवर्सल, उल्टा हमें वार पड़ गया ऑन द स्टेज। ले भाई दोनों के बीच में मुख्य एक्सचेंज, यहाँ से वहाँ स्टेज पे फाइट, एंड व्हाट अ सुप्लेक्स, पटक दिया रैंडी को दूसरी तरफ। व्हाट अ बिग मूव, स्लेज हैमर हमारे हाथ में। आज तो भाई हॉस्पिटल जाएगा रैंडी ऑर्टन यहाँ से। वाओ, मूव्स पे मूव्स, मूव्स पे मूव्स, एंड रैंडी ऑर्टन की वाट लगे रही है। Here we go, एक और, वहीं पे मरा ये। बैक स्टेज की तरफ ले जाएंगे इस मैच को। कम ऑन रैंडी, कम ऑन, अभी ये मैच, ये रात खत्म नहीं हुई। टू द बैक स्टेज, जहाँ पे और खतरा इसके लिए वेट करता हुआ। हम लोग बैक स्टेज पहुँच चुके, एंड रैंडी ऑर्टन ने हमें पकड़ लिया इन टू द इक्विपमेंट बॉक्स। ओप्स, रैंडी ऑर्टन विद एन एक्सप्लोडर सुप्लेक्स, पटक दिया हमें दूसरी तरफ। उसके पास सिग्नेचर मूव है, दिस इज नॉट गुड। ब्रे वायट वहां पे पिटता हुआ बुरी तरह, वो एडवांटेज उठा सकता है इस एरिया का। बैक स्टेज ब्रॉल या कुछ स्पेशल, वहां पे कोई बंदे वेट कर रहे हो, सिस्टर एबिगेल के भूत वेट कर रहे हो उसके लिए वहां पे। व्हाट अ जंप, WWE चैंपियन को हराना मुश्किल नहीं होगा। जिंदर महल को काफी अच्छा मौका मिला है, लेकिन नंबर वन कंटेंडर बैकलैश में उसका मैच सेटअप हो चुका है रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट, इसलिए टाइटल मैच रखने का कोई फायदा ही नहीं था। ऑब्वियसली फिर तो रैंडी ऑर्टन को जीतना था। इनटू द इक्विपमेंट बॉक्स फिर दोबारा, एंड सीधा टेबल पे बैकड्रॉप, टेबल चकनाचूर, LCD उठा लिया यहाँ पे। ले भाई ये ले सोनी के नाम पे, ओबे ये पड़ा सोनी के नाम पे, LCD उसी के सर पे फोड़ा इसने। फिर दोबारा उठा ले एक और बार, LG TV के नाम पे, LG के नाम पे, अबे लगा नहीं, फिलिप्स के नाम पे, फिलिप्स के नाम पे भी नहीं लगा। And RKO out of nowhere the RKO, and Bray Wyatt बिल्कुल बेहोश, motionless, बिल्कुल रास्ते में पड़ा हुआ है। क्या ये वापस मैच रिंग तक जाएगा या यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? क्या नॉकआउट हो सकता है बंदा? ओहो दोनों की हालत ख़राब हो चुकी है, कौन क्या कर रहा है, एंड ये कहाँ जा रहा है? सिस्टर एबिगेल की शक्तियाँ यहाँ पे, उसको लगा वो जा रहा है स्टेज की तरफ, लेकिन नहीं, हम लोग सीधा लॉकर रूम में पहुँच चुके। ये फाइट कंटिन्यू होता हुआ बैक स्टेज अभी भी, एंड ब्रे वायट पे बड़ा रिवर्सल इनटू द लॉकर रूम, एंड बेहोश सर पड़ा उसका सबसे पहले। बैक स्टेज रिवर्सल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एंड इसी का फ़ायदा उठा रहा है दूसरा रेसलर रैंडी ऑर्टन, द वाइपर, द अपॉर्चुनिस्ट यहाँ पे। ओप्स, एक और तगड़ा, एक और आने वाला है, एंड एक और RKO आउट ऑफ नोवेयर, एंड सर फाड़ दिया उसने ब्रे वायट का यहाँ पे। स्टील चेयर उठा लिया उसने,
अब ये सारा पेन हमारे ऊपर सिस्टर एबिगेल की ताकत खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसने पूरा घर जला डाला था उसका। ब्रे वायट टेक्स कंट्रोल वापस से, इसी को इसी के लॉकर रूम में फेंका जाएगा, इन टू द लॉकर रूम, आजा आजा एक और बार, ये गया दोबारा एंड बेहोश बंदा वहीं पे। ब्रे वायट फुल यहाँ पे फिर दोबारा फेंकता हुआ उसको, बैंग, इतने बार सर पड़ेगा, रैंडी का भी सर फोड़ना पड़ेगा, हमारा खून बहा दिया तूने, सिस्टर एबिगेल को तेरी बलि चढ़ाई जाएगी। इन टू द लॉकर अगेन, कौन सा लॉकर है जिसके अंदर घुसेगा भाई तू, बता दे मुझे तेरा लॉकर कौन सा, लॉकर नंबर कौन सा तेरा, ये गया लॉकर के अंदर एक और बार, बूम, कमोन कमोन, OMG मोमेंट्स कहां गए, सिस्टर एबिगेल लगा दिया यहां पे बैक स्टेज, बिल्कुल चुम्मी ली एंड बूम, सिस्टर एबिगेल लगता हुआ यहां पे, ब्रे वायट सेलिब्रेट्स, ही इज द ईटर ऑफ वर्ल्ड्स, चला रहा है भाई, चला रहा है सब पे, ले भाई फिर दोबारा घुसाया इसको वहीं पे, OMG मोमेंट लगा दिया इस बार, हे गोज द पावर बॉम्ब, लॉकर पावर बॉम्ब, सीधा उसी के लॉकर में बैठा दिया उसको, ये है ब्रे वायट की ताकत, सिस्टर एबिगेल हमें फोर्स अपना ताकत देते हुए पीछे से, ले भाई बूम चेयर शॉट, एक और पड़ा, आप तो सर तो मैं इसका भी फाड़ूंगा भाई, बलि चढ़ेगी इसकी बलि, पर्पल कर दिया हमने उसको मार मार के एक तरह, ओ व्हाट अ पंच, रिवर्सल बाय रैंडी ऑर्टन, ट्राइंग टू फाइट बैक अभी भी, एंड घसीट लिया, अब तो घसीट लिया इसने हमें, लॉकर लॉकर में डाल दिया इस बंदे ने, एक और बार, एक और बार, एंड सीधा लॉकर रूम से बाहर चले गए हम लोग। ब्रे वायट थोड़ा सा दूर भागते हुए, कुछ ना कुछ इसने ट्रैप सेटअप कर रखे, ट्रैश कैन उठा लिया, सर फट ही गया ट्रैश कैन से वो भी। ब्रे वायट ने फुल कंट्रोल लेने की कोशिश यहाँ पे, रैंडी ऑर्टन एक और एल्बो मारता हुआ वापस, व्हाट अ नेक ब्रेकर, सिग्नेचर नेक ब्रेकर है ये तो रैंडी का, कैसे बचा जाए इनसे, रैंडी ऑर्टन घूरते हुए हमें यहाँ पे, रेफरी को कुछ नहीं पता वो क्या करे, वो खुद कंफ्यूज्ड है, मैच यहाँ से वहाँ से कहाँ कहाँ जा रहा है, एंड DDT सीधा सीमेंट पे DDT एंड और भी बड़ा डैमेज यहाँ, कम ऑन, दोनों इतने बुरी हालत में, कोई कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, वो ना ही उठ पा रहा है, वो उठा नहीं पा रहा हमें, रिवर्सल, बैंग, क्रॉस बॉडी मारा सीधा, व्हाट अ बिग क्रॉस बॉडी, ब्रे वायट फिर कंट्रोल में यहाँ पे, घसीटेगा रैंडी ऑर्टन को यहाँ से वहाँ, सिग्नेचर मूव उसके पास भी है, इन टू द पावर बॉक्स, OMG मोमेंट फिर दोबारा, इस बार डेंजर है यहाँ पे, क्योंकि 1000 वोल्ट्स पीछे उसके, स्पीयर इन टू द पावर बॉक्स एंड शॉक के साथ रैंडी ऑर्टन नीचे, भूत हो गए दोनों, भूत, हालत खराब, सिस्टर एबिगेल की शैतानी ताकत हमें ले आई है यहाँ क्राउड में, बिल्कुल ये हुई ना बात। ब्रे वायट रेडी एक और ट्रैश कैन के साथ, सर पे मारने की कोशिश, रैंडी ऑर्टन विद अ बिग रिवर्सल, लात के साथ उसने रिवर्स किया वहाँ पे, फिनिशिंग मूव देने की कोशिश, लेकिन गुड पंच बाय ब्रे, लेकिन फिर दोबारा फटका रैंडी ने, दोनों एक दूसरे के मूव्स इतने जल्दी कैंसिल कर रहे हैं, दोनों जानते हैं कि क्या कौन मूव यूज़ करने वाला है, 5-star मैच बन चुका है यहाँ पे, एंड ब्रे वायट फिर दोबारा जैसी नई जगह में पहुँचते हैं, बैंग पिटना शुरू हो जाता है बंदा, इस बार ट्रैश कैन उठा लिया रैंडी ने, व्हाट अ ब्लास्ट भाई, रैंडी ऑर्टन फिर दोबारा इतना मोमेंटम गेन कर चुका है, उसके पास 2 finishes होने वाले हैं, चारों तरफ से RKO की चैंट, रैंडी ऑर्टन वापस रिंग की तरफ चला गया, ही वॉन्ट्स द मैच इन द रिंग, ही वॉन्ट्स टू फिनिश इट, वो गुस्से में आ चुका है टॉन्ट्स मारता हुआ, ही इज अबाउट टू स्ट्राइक, वो रेडी है अपने RKO के साथ, वापस यहाँ पे आता हुआ, आ जा फिर, अपर कट, बैंग, एक पंच पड़ा उसके मुंह पे सीधा, पकड़ लिया, अब तो पकड़ लिया, वापस रिंग की तरफ ले जाने की कोशिश, हेडबट पड़ा इस बार, रैंडी कंट्रोल लेता जा रहा है, हेडबट पे हेडबट, 2 finishes उसके पास, एक और हेडबट, बूम, क्या मारा है बंदे को, सफेद कर दी उसकी बॉडी तो हमने मार मार के उसको, अब रैंडी उठ भी नहीं पाएगा इतनी बुरी हालत में, 2 finishing moves है उसके पास, लेकिन क्या उससे बच पाएगा वो,
अबे यार कुछ तो मारने दो, इतने रिवर्सल्स करोगे तो क्या होगा, एक्सप्लोडर सुप्लेक्स, उछलते हुए गया ब्रे वॉयट। डैमेज पे डैमेज हो रहा है, खतरनाक डैमेज हो रहा है, दोनों घर नहीं जा पाएंगे आज, हॉस्पिटल पहुंचेंगे, एक दूसरे के साइड में लेटे पड़े होंगे दोनों। फिर दोबारा चेयर, एक और डेंजरस वेपन, ओह टांग पे वार, इस बार सिग्नेचर मूव आ चुका है रैंडी के पास। ब्रे वॉयट रिवर्सल करते हुए, बूम, बहुत सही बहुत सही, उठा इसको। दो फिनिशर्स तो हमारे पास भी है, ये पड़ा इक्विपमेंट बॉक्स पे उसका सर, एंड रैंडी बेहोश, फिर उठाया। क्या इस मैच को हम खत्म कर पाएंगे कभी? कभी कभार रिवर्सल करना इतना मुश्किल हो जाता है, घसीट रहे हैं यहां से वहां, इक्विपमेंट बॉक्स में सर दे मारा हमारा, जो हम करते हैं उसका बिल्कुल करारा जवाब मिलता है हमें, चेयर शॉट दिया। रैंडी ऑटन कंट्रोल में, फिर दोबारा रिंग की तरफ भागने की कोशिश, वापस रिंग में ले आए हम लोग इस मैच को, रैंडी ऑटन हमारे हाथ में आ गए, लेट्स गो, पटक इसको, रैंडी ऑटन विद द जॉबब्रेकर, आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, एंड वी आर डन हियर, 1-2, एंड हमें अपना एक फिनिशर यूज करना पड़ा टू सेव आवर सेल्स। रैंडी ऑटन हमें यहीं पे फिनिश कर सकता है, पंट किक आया, लेकिन व्हाट अ रिवर्सल पंट किक पे, एंड हमने घुमा लिया इसको डीडीटी में, लेकिन उसने एक और रिवर्सल किया, एंड रैंडी यहां पे बड़ा रिवर्सल करते हुए एक और नेक ब्रेकर रिंग के बीच में, मैं फंस चुका हूं बिल्कुल यहां पे, अब गए हम काम से, सीधा मुंह पे हाथ मारा इसने, सर फाड़ चुका है, इतना खून बह चुका है हमारे सर से, सिस्टर एबिगेल भी नहीं बचा सकती हमें, गर्दन मरोड़ते हुए, कौन किसको फिनिश करेगा सबसे पहले, रिवर्सल्स करना बहुत जरूरी हो गया अब तो, रिंग के बीच में आ चुके हैं, ओह टांग तोड़ी उसने, एंड ही गोज फॉर द पिन, सीधा ही 1, बच्चे मोमेंटम बार सेव करने वाला, इतना छोटा हो चुका है, परफेक्टली टाइम करना पड़ेगा कुछ भी हो, एक और डबल एक्स हैंडल सर पे, आई कांट रिवर्स एनीथिंग, इतने अचानक स्ट्राइक करता है ये बंदा, सीधा बैक पे नहीं पड़ा, आई थिंक ही इज गोइंग फॉर अनदर पिन, ही इज टेकिंग हिज चांसेस, आराम से उठा, गुड टाइमिंग गुड टाइमिंग, दोनों के पास डबल फिनिशर्स, ब्रे वॉयट उठ तक नहीं पा रहा हूँ, एट लास्ट अ बिग रिवर्सल, लेटा दिया इसको, कॉर्नर की तरफ चला गया है, सिस्टर एबिगेल एक और बार रेडी, हियर कम्स द स्पाइडर वॉक, डराने के लिए सबको, लुक एट दैट योगा मास्टर लेवाई, हियर ही गोज लेवाई, सिस्टर एबिगेल, बूम, गया बंदा बेहोश, दिस शुड एंड इट, 1-2, शिट, रैंडी ऑर्टन ने अपना फिनिशिंग मूव यूज कर लिया, What the hell? कैसे फिनिश किया जाए इस मैच को? ब्रे वॉयट फिर उठाते हुए इसको, एक और सिस्टर एबिगेल, 2 इन अ रो, एक और बार चुम्मी, एंड बूम, क्या ये फिनिश कर पाएगा इसको? Here we go, 1-2, impossible, ब्रे वॉयट बिलीव नहीं कर पा रहा, उसके पास कमबैक मूव आने वाला है, वो अपने दोनों फिनिशर यूज कर चुका है टू सेव हिमसेल्फ, इस चीज से बचाने के लिए, अब तो भाई डंडे निकाल लिए इसने, कैंडो स्टिक ब्रे वॉयट के हाथ में, ओह व्हाट अ बिग रिवर्सल, हमारे सर पे मारने की कोशिश, शिट, व्हाट अ बैक ड्रॉप भाई, ऑलमोस्ट अ समोआ ड्रॉप, सिग्नेचर मूव लगा दिया यहाँ पे उसने, गई सारी टांगे, गई सारी लाते, गई बूम, एंड लास्ट वाला सर पे हर एक लिम तोड़ दिया उसने, इन टू द पिन सीधा, 1-2, व्हाट अ सेव, अमेजिंग सेव यहाँ पे ब्रे वॉयट का, व्हाट अ किक, इम्पॉसिबल होता जा रहा है रैंडी ऑर्टन के लिए फिनिश करना इसको, वो खुद चकित है इतना, लात मारने की कोशिश, रिवर्सल, बैंग, बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे, सिग्नेचर मूव लगा दिया, सेंटॉन, बैंग, What a big send on! एक और फिनिशर लगेगा, इतने सिस्टर एबिगेल्स एक दिन में खत्म कर देगा आदमी को, लेकिन रैंडी ऑर्टन हार नहीं मान रहा, चैंपियन इतने जल्दी हार नहीं मानेगा, हाउस ऑफ हॉरर्स बन चुका है लिटरली,
एंड ये ली चुम्बी, बूम, एंड इस बार सीधा पिन की तरफ। व्हाट अ मूव। आई थिंक मेरा तीसरा या चौथा सिस्टर एबिगेल है इसके ऊपर। बहुत ही गजब का मूव एंड इनटू द पिन। 1, 2, 3 फिनिश। ब्रे वॉयट द ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स, रैंडी ऑर्टन के लिए इसको हाउस ऑफ हॉरर बनाता हुआ। वाओ, ये बंदा जेवियर वुड्स आके अटैक करने लगा हमें। ये चीज बंद करनी पड़ेगी हमें, कोई भी आके अटैक करने लग जाता है आफ्टर द मैच। ओ शिट, जेवियर वुड्स इज अबाउट टू फिनिश दिस विद हिज सिग्नेचर मूव, द ऑनर रोल। बूम, व्हाट अ मूव। बंदा बेहोश, फिनिशिंग मूव लगा दिया उसने वॉइट के ऊपर एंड ये किया रिवर्सल। भाई हाउस ऑफ हॉरर हमारा है, ये छिछोरा क्यों आया है? ले भाई, सिस्टर एबिगेल खत्म। जो आया ब्रे वॉइट के रास्ते में सब खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ये था आज का प्रेडिक्शन। आई होप आपको मजा आया। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए कि कौन जीतेगा, रैंडी ऑर्टन या फिर ब्रे वॉयट। आप लोग आई बटन पे भी वोट कर सकते हैं एंड मुझे बताओ कि हाउस ऑफ हॉरर्स मैच कैसा होगा, आपको क्या लगता है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर। फटाफट लाइक शेयर कॉमेंट करिए एंड तब तक के लिए बाय।